गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीयू यूजीसी नेट ज़ारा 2022 एंड वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट 5 इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सो इंडस्ट्रियल रिलेशंस से वी हैव कवर्ड सो मेनी टॉपिक्स एंड अभी बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं यूनिट 5 से इंडस्ट्रियल रिलेशंस से। एंड मैं आपको दिखा दूं कि कंटेंट्स जो हमने पढ़ने हैं यूनिट 5 से, वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये कंटेंट्स जो आपके सामने दिख रहे हैं, क्या क्या पढ़ना है ये टॉपिक वाइज मैंने मेंशन किया हुआ है और मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस भी किया हुआ है। सो हम आगे बढ़ेंगे। ये जो स्क्रीन पर आपको सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं, ये सब हमने किया हुआ है लास्ट सेशंस में। अगर आपने नहीं देखे उन सेशंस को तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जा करके। यूट्यूब पर स्मिता सिंह एंटरटेनमेंट डालेंगे तो आपको वो सारे वीडियोस, सारे सेशंस दिख जाएंगे, राइट? सो लास्ट सेशन में हमने बात किया था थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर हमने बात की थी यूनिटरी अप्रोच की, प्लूरलिस्ट अप्रोच की बात की थी हमने, क्लासिकल अप्रोच, मार्क्सिस्ट मॉडल, रेडिकल अप्रोच की बात की थी हमने लास्ट सेशन में। एंड हमने पढ़ना है ऑप्शन नंबर 4, ह्यूमन रिलेशंस और नियो क्लासिकल अप्रोच। क्या है ह्यूमन रिलेशंस, या फिर दूसरे शब्दों में उनके कह सकते हैं नियो क्लासिकल अप्रोच क्या है, हम देखेंगे, राइट? सो हमारा इस सेशन का ये हमारा पहला टॉपिक होगा नियो क्लासिकल अप्रोच। दिस अप्रोच हैज इट्स ओरिजिन इन द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय एल्टन मायो। सो क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि हु हैज गिवन द यू नो कॉन्सेप्ट, यू नो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाय हु। आपके सामने ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, चार ऑथर्स के नेम दे दिए जाएंगे, आपको मैच करने वाला भी क्वेश्चन बन जाता है, या फिर डायरेक्ट पहले एक्चुअली क्या है कि पहले जो क्वेश्चन पूछते थे वो वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछते थे कि हॉथर्न एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, तो यू कैन आंसर इजली दैट दैट हॉथर्न एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाय एल्टन मायो। बट अभी क्या है, क्वेश्चन को एनटीए ने जब से यू नो एग्जाम कंडक्ट करना शुरू किया है यूजीसी नेट का, तब से थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया, इन द सेंस डिफिकल्ट इन द सेंस कि जो वन लाइनर क्वेश्चन हुआ करते थे अब उनको क्या करते हैं कि यू नो मैच वाले क्वेश्चंस बना दिया है। जैसे आपको अब यहाँ पर सिर्फ एल्टन मायो या फिर हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के बारे में ही नहीं जानकारी रखनी है, बल्कि आपको चार और ऑप्शन को तैयार करना पड़ेगा क्योंकि मैच वाले क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो एक तरफ थ्योरीज दे दी जाएंगी, एक तरफ आपको ऑथर्स के नाम दे दिए जाएंगे, तो आपको मैच करना है। वहां पे हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट दे दिया जाएगा, एल्टन मायो का नाम दे दिया जाएगा, वहीं पर आपको यू नो एफ डब्ल्यू टेलर का नाम दे दिया जाएगा, मेरी पार्कर फॉलेट का नाम दे दिया जाएगा, और उन्होंने जो थ्योरीज दे दी हैं उनके अभी वो थ्योरीज भी मेंशन की जाएंगी चार ऑप्शंस में। तो आपको करेक्टली मैच करना होगा। अगर उनमें से जो ऑप्शंस आपके सामने बनते हैं उन ऑप्शंस में अगर आपको एक का भी आता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको एक भी आता है, एक भी पकड़ लेते हैं, तो बाकी के आप एलिमिनेशन के यू नो की टेक्निक यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको एक भी नहीं पता है तब आपको दिक्कत होती है, राइट? सो अगर आपको एक पता है तो आपके चांसेस हैं कि आप क्वेश्चन को सही मार्क कर सकते हैं एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेके। अगर आपको दो उन जो मैच वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें अगर दो पता है तो आप तो 100% श्योर होना चाहिए आपको, या फिर श्योर है आपको मान लेना चाहिए कि क्वेश्चन सही ही होगा, क्योंकि अगर दो सही मैच कर लिया तो बाकी के दो आप इजिली उनको मैच कर लेते हैं, राइट? सो क्या यहाँ पे न्यू क्लासिकल अप्रोच में बोल क्या रहा है वो समझेंगे, राइट? सो दिस अप्रोच हैज इट्स ओरिजिन इन द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय एल्टन मायो। सो जो न्यू क्लासिकल अप्रोच आया वो दौर कौन सा था, वो दौर था जब एल्टन मायो ने हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट किया था। तो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट में क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए गए थे, उसके फेजेस क्या थे, वो भी क्वेश्चन बन के आता है। तो आपको अभी तो हम देख रहे हैं, इसके आगे इसको और एक्सपेंड करेंगे तो आपको क्वेश्चंस कहाँ पे कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताते जाऊंगी, ताकि आप जब क्वेश्चंस सॉल्व करने जाए, पीवाईक्यू सॉल्व करने जाए, एमसीक्यू सॉल्व करें, तो आपको फट से आप रिलेट कर पाए थ्योरी क्या पढ़ा था हमने और क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है हमें, राइट? एंड रॉथलिसबर्गर, व्हाइट हैट, व्हाइट टी एंड होमन्स एक्सेट्रा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कॉन्फ्लिक्ट इज एन aberration and not the natural state of human society. This aberration occurs when tendency of the industrial society is to treat worker as an isolated individual and deprive him of all control over his environment. This loss of mooring and control is a major source of conflict. So, क्या कह रहे हैं कि जब neoclassical का दौर start हुआ,
तो उसमें क्या देखा गया कि सबसे पहले आपने क्या देखा कि जो अप्रोच था, जो ओरिजिन था, सबसे पहले तो देखेंगे कि हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट का जो दौर था वो न्यू क्लासिकल अप्रोच के टाइम का था, ठीक है, और जिसको डेवलप किया था एल्टन मायो ने। रूथलेस बर्गर के बारे में बात की जाती है न्यू क्लासिकल अप्रोच में, व्हाइट हेड की बात की जाती है, व्हाइट एंड होमन्स की बात की जाती है, और भी ऑथर्स थे उस दौर में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार कॉन्फ्लिक्ट इज एन एबिरेशन एंड नॉट द नेचुरल स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ये एक नेचुरल इस यू नो न्यू क्लासिकल अप्रोच के थ्रू अगर आप देखते हैं कि क्या कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट द नेचुरल स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ये ह्यूमन सोसाइटी का एक नेचुरल आस्पेक्ट नहीं है, नेचुरल फिनोमेना नहीं है, नेचुरल स्टेट नहीं है। दिस एबिरेशन अकर्स व्हेन टेंडेंसी ऑफ द इंडस्ट्री सोसाइटी इज टू ट्रीट वर्कर्स एज एन आइसोलेटेड इंडिविजुअल एंड डिप्राइव हिम ऑफ ऑल द कंट्रोल ओवर हिज एनवायरमेंट। दिस लॉस ऑफ मूविंग एंड कंट्रोल इज अ मेजर सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सो उस दौर में क्या देखा गया कि मेनली जो न्यू क्लासिकल अप्रोच आया उसमें देखा क्या, सुधारना क्या था, किन चीजों पे वो वर्क करना चाहते थे। तो ये वर्क करना चाहते थे कि जैसे कि एक इंडिविजुअल पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, तो उसको कोई, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती थी, उसके पास कोई यू नो कोई पावर नहीं हुआ करती थी। वो काम किया, अपना काम खत्म किया और चला गया। नहीं, इंडिविजुअल लाइक न्यू जो क्लासिकल अप्रोच आया उसमें देखा गया कि उसमें मेन फोकस क्या था कि जिस पर जो भी पर्सन एक्स वाई जेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, उसके पास भी पावर होना चाहिए कि वो कम्युनिकेट करे, उसकी बात माने, उसके सजेशंस को ले, ऑर्गेनाइजेशन में उनकी भी वैल्यू हो, उनकी बातों की वैल्यू हो, उनके सजेशंस की वैल्यू हो। तो इन चीजों पर ऐसा ना हो कि उनको आइसोलेट कर दिया जाए, उनको वो आ रहे हैं अपना काम कर रहे हैं दैट्स इट, नहीं ऐसा नहीं है। उनकी भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, हर एक इंडिविजुअल पर्सन की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीजें इंप्रूव होनी चाहिए, उन पे उनका पूरा हक है कि वो बोले और उनकी बात को लोग सुने, ऑर्गेनाइजेशन सुने, राइट। सो दिस वॉज द मेन मोटो बिहाइंड द न्यू क्लासिकल अप्रोच, जहाँ पे चीजें एक स्मूथ वे में चलाने की कोशिश की गई, राइट। उसमें पॉइंट टू देखेंगे, द प्लुरलिस्ट थ्योरी इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइज दैट द एंटरप्राइज कंटेन्स पीपल विद अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एम्स एंड एस्पिरेशंस, देयरफॉर इट इज अ कोलिजन ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट। आर्थर रॉस आर्ग्यूड दैट वी शुड व्यू एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्लुरल सोसाइटी कंटेनिंग मेनी रिलेटेड बट सेपरेट इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव विच मस्ट बी मेंटेन इन सम काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम। सो क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने देखा होगा कि हर इंसान की अपनी कैपेबिलिटीज होती है, अपनी क्वालिटी होती है, राइट, उनका अपना इंटरेस्ट होता है, उनका डिफरेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो उनको कैटेगराइज तो करना चाहिए लेकिन एक साथ लेकर के भी चलना चाहिए, उनको मेंटेन करना चाहिए कि डिस्पाइट ऑफ डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट यू नो थॉट प्रोसेस, डिफरेंट यू नो इंटरेस्ट, चीजें एक स्मूथ वे में, इक्विलिब्रियम में, एक यू नो एक समानता के साथ, एक यू नो बराबरी के साथ उसको मेंटेन भी किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट क्वालिटीज हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट है, तो उनको डिफरेंटली ही उनके साथ बिहेव किया जाए या फिर डिफरेंटली ही उनको लिया जाए, नहीं, चीजों को इक्विलिब्रेट किया भी जाना चाहिए, राइट। उनके कहने का ये मतलब था। प्लुरलिस्ट अप्रोच का मतलब क्या है, मतलब ये है कि भले ही लोग डाइवर्स हों, डाइवर्सिटी हो, लेकिन स्टिल एकजुट करके काम को करें, राइट। सो नेक्स्ट देखेंगे, सिक्स्थ देखेंगे, फोर है, फिफ्थ होना चाहिए, सिक्स ही आपको पॉइंट दिया हुआ है। सिस्टम अप्रोच डेवलप बाय जॉन डंबलप। सो क्या उन्होंने किस तरह से डेवलप किया था सिस्टम अप्रोच को, हम देखेंगे यहाँ पर। एंड क्वेश्चन भी आता है कि जैसा कि मैंने बोला प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस टॉपिक जो मैंने अभी लिया था उसमें बोला था कि ये वन लाइनर क्वेश्चन पहले आया करते थे, अभी क्या है कि आपको मैच वाले क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे जॉन डेवलप में ने क्या कौन सा अप्रोच दिया था, दैट इज सिस्टम अप्रोच इज गिवन बाय जॉन डेवलप। तो ये चीजें अगर आप याद, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, आपको लगेगा कि ठीक है ये नॉर्मल है, टॉपिक है, आप उसके अंदर थ्योरी में घुस गए। थ्योरी के साथ साथ आप जानिए, समझिए कि क्वेश्चन बन कहाँ से सकते हैं। आप अपने माइंड में भी ये चीजें रखा करिए और आगे आने वाले टाइम में भी आप ऐसे ही टेक्निकली भी सोचेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं। जैसे सिस्टम अप्रोच किसने दिया था, जॉन डनलप ने दिया था, तो आपको ये चीज याद रखनी है, राइट। द सिस्टम अप्रोच विच व्यूज द इंडस्ट्रियल रिलेशंस सिस्टम एज अ सब सिस्टम ऑफ द सोसाइटी और द टोटल सोशल सिस्टम। द सोसाइटी इज सीन एज प्रोवाइडिंग सर्टेन एक्सटर्नल
influences and constraints, but not as completely dominating industrial relations. An industrial relations system at any particular time is regarded as comprising of certain actors, certain context and ideology which bind the industrial relations system together through a body of rules created to govern the actors at the place of work and work community. The certain of rules is the certain aim of the industrial relations system, and Dunlop isolates three group of actors: workers, management and government. So उन्होंने किस तीन actors में divide किया, तीन phases में divide किया, तीन तरह से categorize किया, पहला workers, दूसरा management and तीसरा government. सिस्टम अप्रोच के अंदर उन्होंने कैटेगराइजेशन किया जॉन डनलप ने. हु टेक पार्ट इन द रूल मेकिंग प्रोसेस, राइट. सो यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी दे दिया गया है. वेयर आर इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम, ए एक्टर्स हो जाएंगे, आई आइडियोलॉजी हो जाएगी, बी बॉडी ऑफ रूल्स हो जाएंगे, राइट. सो मेनली क्या हमें देखना है कि सिस्टम अप्रोच इज गिवन बाय जॉन डनलप, और इसके अंदर जो थ्योरी है, द सिस्टम अप्रोच इज व्यूज द इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम एज अ सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी. तो उन्होंने जो सिस्टम अप्रोच के अंदर जो जॉन डनलप ने उसको किस तरह से देखा, सिस्टम अप्रोच को किस तरह से देखा, उनका नजरिया क्या था सिस्टम अप्रोच को देखने का, दैट ही हैज गिवन, ही हैज व्यूड द इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम एज सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी. तो इंडस्ट्रियल रिलेशन को उन्होंने सब सिस्टम समझा सोसाइटी के अंदर, वो एक सब सिस्टम है, एक कैटेगराइजेशन है सोसाइटी के अंदर, और द टोटल सोशल सिस्टम. या तो उसको सब सिस्टम समझे, या तो आप देखने को आपको मिलता है कि वो सोशल सिस्टम की, टोटल सोशल सिस्टम की तरह कंसीडर किया जाता है, दैट व्हाट सिस्टम अप्रोच, राइट. द सोसाइटी इज सीन एज प्रोवाइडिंग सर्टेन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस एंड कंस्ट्रेंट्स, बट नॉट एज कंप्लीटली डोमिनेटिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस. सो सोसाइटी को किस तरह से देखा गया, सोसाइटी इज सीन एज प्रोवाइडिंग सर्टेन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस. सो सोसाइटी क्या है, कि सोसाइटी में रहने वाले लोग कौन से हैं, सोसाइटी बनती कैसे, सोसाइटी ऑब्वियसली बात है लोगों से ही बनती है, लोगों से मिलके ही समाज बनता है, समाज से ही सोसाइटी बनती है. तो सोसाइटी किस तरह से देखा गया, सोसाइटी एज प्रोवाइडिंग सर्टेन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस इन द ह्यूमन लाइफ एंड कंस्ट्रेंट, बट नॉट एज द कम्प्लीटली डोमिनेटिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन. एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम एट एनी पर्टिकुलर टाइम इज रिगार्डेड एज कंप्राइजिंग ऑफ सर्टेन एक्टर्स. तो कुछ सर्टेन एक्टर्स होते हैं जिसके को मिला करके सोसाइटी बनती है. सोसाइटी लोगों से, जैसा कि मैंने बोला कि लोगों से मिलकर ही सोसाइटी बनती है, लोगों से मिलकर के ही समाज बनता है, ठीक है. तो उस समाज में रहने वाले जो लोग हैं, जो एक्टर्स हैं, जो एक्ट कर रहे हैं उस समाज में, उनके अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, अलग अलग उनकी विशेषताएं होती हैं. तो उन एक्टर्स के साथ मिलके काम करना, उन एक्टर्स को अगर आप एक जगह इकट्ठा कर देंगे, एक्यूमुलेट कर देंगे, तो दैट विल बिकम अ सोसाइटी, यू नो, वो एक सिस्टम होता है, राइट. दैट्स वॉट यू नो जॉन डनलप ट्राइंग टू से इन सिस्टम अप्रोच, राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक. या गांधीयन ट्रस्टीशिप अप्रोच, क्या है गांधीयन ट्रस्टीशिप अप्रोच, विल सी हियर. गांधीजीज व्यूज ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर बेस्ड ऑन हिज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एंड नॉन पोजेशन. आउट ऑफ दीज प्रिंसिपल्स इवॉल्व्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप ऑन विच हिज फिलोसफी ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस रेस्ट. दिस फिलोसफी प्रिज्यूम्स द पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ सो कैपिटल एंड लेबर which calls for the resolution of conflict by non-violent, non-cooperation, i.e. satyagraha, which actually amounts to peaceful strike in ordinary parlance. Gandhiji accepted the workers' right to strike, but cautioned that his right is to be exercised in just a cause and in the peaceful and non-violent manner, and it should be resorted to only after employers fail to respond to their moral appeals. So Gandhian trusteeship approach में क्या मेनली मेन मोटो क्या था, आप गांधी जी के बारे में अच्छे से जानते हैं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इस अप्रोच को समझने में, कि उनका क्या मोटो था, कि वो नॉन वायलेंट होना चाहिए, वायलेशन नहीं होना चाहिए, नॉन वायलेंट होना चाहिए, राइट. सो वायलेशन से बचने के लिए उन्होंने बोला कि एक इंडिविजुअल को, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एक पर्सन को
पूरा का पूरा अधिकार है स्ट्राइक का, लेकिन वो स्ट्राइक वायलेंट नहीं होना चाहिए, नॉन वायलेंट होना चाहिए, राइट। उसमें किसी भी तरह का ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जो कि समाज के लिए खराब हो या फिर वो अनएथिकल हो, राइट। या तो अगर आप स्ट्राइक कर रहे हैं तो आप स्ट्राइक पे तब जाएंगे जब आपको सच में रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, मैनेजमेंट आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, जो आपकी प्रॉब्लम है आप शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं ग्रीवियंस कमिटी के थ्रू, लेकिन स्टिल अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो आपके पास पूरा अधिकार है स्ट्राइक करने का। लेकिन स्ट्राइक आप करेंगे तो आपको इतना ध्यान जरूर रखना होगा कि आप वायलेंट नहीं होंगे, जो आप एक्सरसाइज करने वाले हैं स्ट्राइक की वो बहुत ही पीसफुल होनी चाहिए और अच्छे तरीके से होनी चाहिए, मैनर्ड वे में होना चाहिए, राइट। उनके गांधी ट्रस्टीशिप अप्रोच के अंदर हमने देखा कि एक जो अधिकार होता है इंडिविजुअल को स्ट्राइक करने का, उस अधिकार के तहत वो एथिक्स को फॉलो करे ना कि अनएथिक्स को फॉलो करे, प्लस जो भी वो जिस तरह की भी स्ट्राइक हो, जिस वजह से भी स्ट्राइक हो, उसमें नॉन वायलेंट नॉन वायलेंट मेंटेन करना पड़ेगा, वायलेंट नहीं होनी चाहिए कोई चीज, राइट। सो दिस वाज द गांधीयन ट्रस्टीशिप अप्रोच। स्टेजेस इन इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्री। सो क्या स्टेजेस हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्री के, हम देखेंगे। पहला देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विथ वी कैन क्लासिफाई द स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्री एज फॉलोज। क्या क्या है इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्री, स्टेजेस क्या है हम देखेंगे। पहला देखेंगे प्रिमिटिव स्टेज। प्रिमिटिव का मतलब पहला जो स्टेज होता है, इनिशियल स्टेज जो होता है। सेकेंड एग्रारियन इकोनॉमिक स्टेज। तीसरा हैंडीक्राफ्ट स्टेज। फोर्थ गिल्ड सिस्टम। फिफ्थ पुटिंग आउट और डोमेस्टिक सिस्टम। एंड सिक्स इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। सो हम इनको एक्सप्लेन करेंगे, लाइक एक्सपेंड करेंगे और इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि क्या है प्रिमिटिव स्टेज, एग्रारियन इकोनॉमिक स्टेज क्या है, हैंडीक्राफ्ट स्टेज क्या है, गिल्ड सिस्टम क्या है, पुटिंग आउट और डोमेस्टिक सिस्टम क्या है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या है। तो इनको हम अच्छे से देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है, प्रिमिटिव स्टेज। राइट। सो एट दिस स्टेज द फैमिलीज वर सेल्फ सफिशियंट एज देयर नीड्स वर लिमिटेड। सो इस अप्रोच में जो प्रिमिटिव स्टेज होता है, इसमें क्या होता है कि जो फैमिलीज होती हैं वो सेल्फ सफिशियंट होती हैं, वो खुद अपना कह सकते हैं कि खुद अपना ख्याल रख सकते हैं, खुद अपने फिनेंशियल एक्सपेंसेस को बियर कर सकते हैं। तो वो जो स्टेज होता है, फैमिलीज आर वेल सेल्फ सफिशियंट एज देयर नीड्स वर लिमिटेड, क्योंकि उनकी जो नीड्स है ना वो बहुत ज्यादा उन्होंने एक्सपेंड नहीं किया है, बहुत ही शॉर्ट एंड स्पेसिफिक रखा है, छोटा है, जिसकी वजह से उनकी नीड्स खुद ही पूरी वो कर लेते हैं, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। हेंस देयर वॉज नो प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती एक्सचेंज ऑफ गुड्स में। डिविजन ऑफ लेबर वॉज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द फैमिली लेवल। मेन डिवोटेड देयर टाइम टू एक्टिविटीज लाइक हंटिंग, फिशिंग एंड मेकिंग ऑफ वेपन्स, एंड वोमन इंगेज देम सेल्फ इन कुकिंग, ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रेन, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एंड इन शॉर्ट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द फैमिली वर कैरीड ऑन टू प्रोड्यूस अ प्रोक्योर प्रोडक्ट्स और फैमिली कंजम्पशन, एज एवरी फैमिली वॉज एबल टू सेटिस्फाई इट नीड्स, देयर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स। सो क्या कह रहे हैं कि जो प्रिमिटिव स्टेज हुआ करता था, जो पहले की जमाने की आप बात करते हैं, तो वहां पे लोगों के नीड्स बहुत कम थी, तो वहां पे एक कैटेगराइजेशन था कि मेन का क्या काम है, वुमेन का क्या काम है। मेन बाहर से पैसे कमा करके लाएंगे और औरतें उस पैसे को यूज करेंगी, खाना बनाएंगी, अनाज खरीद के लेके आएंगी, खाना बनाएंगी, बच्चे पैदा करेंगी, बच्चे का पालन पोषण करेंगी। तो उसमें क्या था कि एक मेन और ये एक वुमन, इन दोनों के जो काम थे वो स्पेसिफिक थे और कैटेगराइज थे, बटे हुए थे कि इनको ये करना है, इनको ये करना है, वही चलता आ रहा था, ठीक है, काफी टाइम से। लेकिन अभी आप मॉडर्न एज में देखते हैं कि चीजें बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। अब ऐसा नहीं है कि औरतें सिर्फ खाना बनाएंगी या फिर बच्चों को का पालन पोषण करेंगी, औरतें भी कमाएंगी, क्योंकि अब आपकी नीड्स ज्यादा हो चुकी हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी जो नीड्स हैं, आपको अगर आपने आज एक कार ली तो आपको लगेगा कि अरे अभी तो कार ही लिया है,
घर भी होना चाहिए। घर ले लिया तो घर तो ये ठीक है, ठीक है। अगर अगर आपने 2 BHK ले लिया तो अभी आपको लगेगा कि ठीक है 2 BHK इज ओके ओके, अब तो मुझे लगता है कि 3 BHK या 4 BHK लेना चाहिए, अच्छा लेना चाहिए। कार अगर आपने 10 लाख की लिए तो अब आपको 25 लाख वाली कार पसंद आने लगी है। तो नीड्स बढ़ती जा रही है। पहले के जमाने में इतना कुछ नहीं था, पहले के जमाने में बस ये था कि आपका पेट भर जाए, आपको 2 वक्त कहते कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए और कपड़ा मिल जाए पहनने को, बच्चों को पढ़ाने लिखाने जितना पैसा मिल जाए, बस वही इतना इतना ही इन नीड्स थी, इतनी ही रिक्वायरमेंट्स थी। अभी क्या चीजें हैं कि लोगों की इच्छाएं बढ़ चुकी हैं, डिजायर बढ़ चुकी हैं, तो उसके लिए सबको काम करना जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि आदमी सिर्फ पैसा कमा के लाएंगे, औरतें सिर्फ खाना बनाएंगी या फिर घर का की देखभाल करेंगी। तो अब चीजें बिल्कुल इंक्लूसिव हो गई हैं, दोनों के लिए इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई हैं। अगर आपको लाइफ में अच्छा अच्छा अच्छी लाइफ चाहिए, लग्जरी लाइफ जीनी है, तो दोनों को मेहनत करनी है, किसी एक को ही नहीं करनी है, राइट। सो ये प्रिमिटिव स्टेज की बात कर रहे हैं, जहां पर मेनली क्या है कि जो आदमी का क्या काम हुआ करता था उन्होंने एक्सप्लेन किया, और औरतों का क्या क्या काम हुआ करता था। लाइक जो मेन थे उस टाइम में हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, मेकिंग ऑफ वेपन्स वेपन्स बनाते थे, एंड वोमन क्या किन चीजों में इंगेज हुआ करती थी, कुकिंग में, ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रेन, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। सो ये सारे काम थे प्रिमिटिव स्टेज में। नेक्स्ट देखेंगे एग्रारियन इकोनॉमिक स्टेज, इसमें क्या है हम देखेंगे। एग्रीकल्चर बिकेम द प्राइमरी सोर्स ऑफ मेंटेनेंस ड्यूरिंग दिस स्टेज। इस स्टेज में जो प्रिमिटिव स्टेज के बाद क्या आया, अग्रारियन इकोनॉमिक स्टेज आया, जहां पर एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाने लगा, एग्रीकल्चर पे फोकस किया जाने लगा, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं हंगर की प्रॉब्लम होने लगी। कहीं ना कहीं वो चीजें आ गई थी जब लोगों के लाइक होता था कि जितना उनको चाहिए उतना उनको नहीं मिल पाता था अनाज, यू कैन से कि अनाज नहीं मिल पाता था, लोग भूखे रह जाते थे, तो उसके बाद क्या था, फिर लोगों का जो फोकस था, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ने लगती है और चीजें आपके पास रिसोर्सेस कम हो जाए, आपके पास अन्न कम, अन्न की पैदावार कम थी लेकिन लोग ज्यादा थे, तो फिर वहां पर जब लोगों को भूख लगेगी तो ऑब्वियसली बात है फिर वो सोचेंगे कहाँ से क्या करें कि इस भूख को शांत करें, और भूख को शांत करने के लिए कहाँ से वो चीजें लेकर के आए, तो फिर उन्होंने फोकस किया एग्रीकल्चर पे, राइट। मेनी ट्राइब्स सेटल्ड डाउन परमानेंटली एट सम प्लेस एंड बिगेन टू शॉ सीड्स एंड रेयर कैटल्स एंड ऑन द लैंड वेयर दे शेयर्ड इन कॉमन। दीज ट्राइब्स वर सेल्फ सफिशियंट एज द डिविजन ऑफ वर्क बिटवीन मैन एंड वुमेन ऑफ द ट्राइब। सो क्या कह रहे हैं कि इस एरा में क्या हुआ कि लोगों का जो फोकस था वो एग्रीकल्चर पर हो गया, उन्होंने बीज को बोना शुरू किया, उनको उनकी बुआई करना स्टार्ट किया, उनकी कटाई स्टार्ट किया, फिर उसको बना के खाना स्टार्ट किया। तो वो एक दौर आया जहाँ पर लोगों का जो मेन फोकस था वो था एग्रीकल्चर पर। तीसरा स्टेज आया जहाँ पर आपका हैंडीक्राफ्ट स्टेज है, जिसके अंदर देखेंगे अंडर दिस स्टेज आर्टिसन लिविंग इन विलेजेस प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स फॉर द लोकल पॉपुलेशन एंड गॉट इन एक्सचेंज वेरियस थिंग्स फ्रॉम कस्टमर्स। दी देर वॉज हार्डली एनी मशीनरी, द क्राफ्टमैन यूज सिंपल हैंड टूल्स एंड मैनुअल स्किल्स फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड्स। देर वॉज नो डिविजन ऑफ लेबर एट दिस स्टेज। द क्राफ्टमैन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंबलिंग वेरियस रॉ मटेरियल्स एंड सेलिंग द गुड्स प्रोड्यूस बाय हिम। फिर उन्होंने क्या 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 काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया, वो खुद से चीजें बनाने लगे, उनके पास जो भी मटेरियल्स हुआ करता था उनके अपने दिमाग से वो खुद चीजों को प्रोड्यूस करने लगे, बनाने नई नई तरीके से चीजों को बनाने लगे, जो कि एक आम जिंदगी में यूज करने की चीजें हुआ करती थी, क्योंकि उस टाइम मशीनरीज नहीं हुआ करती थी, तो वो सारे लाइक एंड टू एंड उनका जो जो भी चीज बनाते थे वो हाथ से ही बनाते थे। फिर इस तरह से जब कहते हैं ना कि धीरे धीरे डेवलपमेंट का जो स्टार्ट हुआ ना फेज, वो इस तरह से स्टार्ट हुआ, राइट। हैंडीक्राफ्ट वाला एज भी आया। फिर देखा आपने गिल्ड सिस्टम क्या था, गिल्ड सिस्टम में देखेंगे गिल्ड मीन्स एसोसिएशन ऑफ पीपल प्रोड्यूसिंग सेम टाइप ऑफ हैंडीक्राफ्ट। गिल्ड में क्या होता था कि फिर क्या किए, पीपल ना सेम टाइम के हैंडीक्राफ्ट बनाना स्टार्ट कर दिए। टू टाइप्स ऑफ गिल्ड वर इनिशिएटेड, नेमली मर्चेंट गिल्ड एंड क्राफ्ट गिल्ड। तो वहां पे क्या किया, फिर कैटेगराइज कर दिए, दो टाइप के गिल्ड बनाना स्टार्ट कर दिए। पहला को क्या बोलते थे,
मर्चेंट गिल्ड एंड दूसरे को क्राफ्ट गिल्ड बोलना स्टार्ट कर दिया. अब मर्चेंट गिल्ड वॉज एन एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स इंगेज इन ट्रेड इन द पर्टिकुलर लोकेलिटी. तो जो मर्चेंट गिल्ड हुआ करता था वो मर्चेंट्स के लिए हुआ करता था, मीन्स व्यापारियों के लिए हुआ करता था, स्पेशली वो व्यापार करने के लिए ही बनाया जाता था, राइट. और जो क्राफ्ट गिल्ड हुआ करता था दैट वॉज द पर्पज ऑफ ए मर्चेंट गिल्ड वॉज टू इन्फोर्स क्वालिटी of opportunity for the members of the guild to protect their interest to avoid competition among the members and also to regulate the conduct of its members by prohibiting unfair practices. A craft guild on other hand was an association of the skilled artisan engaged in the same occupation. So same occupation mein kaam karte the jo ki guild क्राफ्ट गिल्ड हुआ करती थी, लेकिन जो व्यापारी वाले जो गिल्ड था, जो मर्चेंट गिल्ड था, उनका मेन मोटो था कि वो इन्फोर्स करे क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द पर्पज फॉर द मेंबर्स ऑफ द गिल्ड टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट टू अवॉइड कॉम्पिटिशन एमंग द मेंबर्स. सो वो जो कॉम्पिटिशन की एक भावना होती थी वो उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने मर्चेंट गिल्ड को बनाया, राइट. सो लास्ट जो आपका स्टेज था पांचवा, दो स्टेज और रह गए आपके, पांच और छह. कॉटेज सिस्टम क्या है? कॉटेज सिस्टम में देखा आपने, एट दिस स्टेज इन the intermediary between the producers and customers consumers of goods came to play an important role. The entrepreneur gave out work to the artisan who work in their homes. The artisan still owned the means of production. The entrepreneur came at regular intervals, collected the goods and paid for them to the artisans. The artisans faced difficulty when the scale of production increased and there was a need for a new tools of production. The entrepreneur started providing raw materials and tools to the artisan who produced good and received wages on piece wage basis. That is why this stage was called the putting out the system. So उस stage में क्या होना start कर दिया, that was वो stage ऐसा था कि जो नए एंटरप्रेनर्स थे, जो नए बिजनेसमैन थे, उन्होंने रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया टू द आर्टिसन जो कि पहले से ही कुछ काम में थे, बनाते थे, ठीक है, स्पेशली वो कलाकारी करते थे, हैंड से चीजें बनाते थे, तो वो तो थे कि मजे हुए थे कि वो काम करते थे, लेकिन जो नए न्यू कमर्स आए, जो कि एंटरप्रेनर्स आए, उन्होंने उनको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, राइट, ताकि वो काम को अच्छे से कर पाए, राइट. So intermediary between the producers and consumers of good came to play an important role. जो consumer and producer का जो एक role था वो बहुत ज़्यादा important हो गया उस age में, क्योंकि लोगों की need बढ़ने लगी, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी, लोग interest लेने लगे उस चीज़ों में. Entrepreneur gave out work to the artisans who work in their homes. Artisans को वो काम देना start कर दिए जो कि अपने घर पे काम करते थे. The artisans still owned the means of production. The entrepreneur came at regular intervals, collected the goods and paid for them to the artisans. So क्या हुआ कि जो artisans थे, जो entrepreneurs थे, वो interval time पे, मतलब regular basis पे आए, उन्होंने अपना raw material provide किया जो artisans थे, और उसके बदले उन्होंने पैसा लिया. तो क्या होता था कि सामान provide करने वाला कोई और होता था, बनाने वाला कोई और होता था, right? So इस तरह से दोनों के काम चलने लगे, right? The artisan faced difficulty when the scale of production increased and there was a need for new tools of production. जब लोगों की नीड बढ़ने लगी, प्रोडक्शन की डिमांड ज्यादा होने लगी कि हमें ज्यादा चाहिए चीज, तब उनको दिक्कत होने लगी कि जब चीजें हम हाथ से बनाते आ रहे हैं, अब इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लोगों की मांग ज्यादा है, तब उनको अब लगा कि अब हमें इसको बनाने के लिए, इसको करने के लिए एक मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, हमें अब यह हम खुद से हाथ से नहीं कर सकते, हमें किसी भी अदर टाइप की हेल्प की जरूरत है. तो वहीं पर फिर स्टार्ट हुआ कि आपको मशीनरीज का यूज होना स्टार्ट हुआ, फिर वो टेक्निक, वो दौर स्टार्ट हुआ. तो ये दौर जो स्टार्ट होने वाला है मशीनरीज वाला, इसके बाद से स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखेंगे लास्ट, सिक्स्थ ऑप्शन. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी एंड अर्लियर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी हैड अ विटल इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. It changed radical the technique of the production and had an important impact on the life of mankind. Industrial revolution was the result of the
इन्वेंशन ऑफ मेनी इंग्लिश साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1760 to 1820 द नीड फॉर इन्वेंशंस अक्रॉस बिकॉज एरोज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स ड्यू टू वाइडनिंग ऑफ मार्केट मार्केट्स फॉलोड बाय द जियोग्राफिकल डिस्कवरीज ऑफ द लेट 15th and 16th century जेम्स हारग्रीव्स मेड स्पिनिंग गेनी इन 1764 एंड रिचर्ड आर्कराइट इंट्रोड्यूस्ड वाटर फ्रेम इन 1779। सो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कैसे आया, जैसे कि मैंने बताया कि जब लोगों की नीड बढ़ने लगी, लोग समझना स्टार्ट कर दिए कि अच्छा इस चीज़ से ये होता है, ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है, अच्छा ये जो हैंडीक्राफ्ट बना है इसका तो बड़ा अच्छा यूज़ है, इससे तो बहुत चीज़ें लाइक अच्छी हो रही हैं, लाइक अच्छा यूज़ इसका है, तो लोग फैसिनेट होने लगे चीज़ों को देख करके, उनकी आवश्यकताएं बढ़ने लगी, लोग इंटरेस्ट लेने लगे चीज़ों को, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने में। पहले कुछ और हुआ करती थी, अब नीड्स धीरे धीरे बढ़ रही हैं, जो प्रोडक्शन था अब अब डिमांड भी बढ़ने लगी है, अब तो डिमांड जब बढ़ गई प्रोडक्शन उतना ही का उतना ही है, तो क्या हुआ फिर लोगों की नीड बढ़ने लगी कि अच्छा जो चीज़ें हम हाथ से करते आ रहे हैं अब उसके लिए हमें और भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, और भी टेक्निक की ज़रूरत है, दूसरी टेक्निक की यू कैसे न्यू टेक्निक की ज़रूरत है जहाँ पर चीज़ों को आसान किया जा सके। तो दैट वॉज द रिवोल्यूशन एरा ऑफ द इंडस्ट्री, राइट। ऑल राइट, सो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस सेशन का। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे का सेशन में लूंगी, आगे के टॉपिक्स करूंगी। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।